Saudável, não é? Sim. हाँ जी दोस्तों, तो ये रिवर जा रही है, पता नहीं कौन सी रिवर है। ये हम सारा पहाड़ी और जंगल जंगल वाले रास्ते से आए थे, तो काफ़ी टाइम लगा, लेट हो रहा है, तो पता नहीं, अभी सोच रहे हैं कि वाटरफॉल की तरफ जाए कि नहीं जाए। ये रास्ता बिल्कुल है ही नहीं जिस रास्ते से हम आए, ये रास्ता बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल आने के काबिल नहीं है। तो कोशिश करिए कि ये जो कच्चा वाला रास्ता पहाड़ी और जंगल के रास्ते से ना आए तो बेहतर होगा। ये जो ऊपर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाले रास्ते से अगर आएंगे तो थोड़ा बेहतर रहेगा। हमसे गलती हुई, पहले तो हम लेट निकले और रास्ता फिर गलत हमने चूज़ किया। इस वजह से जो है ये आप ट्राई ना करिए, रास्ता बिल्कुल ही ख़राब रास्ता है, बिल्कुल ही। अगर बारिश हो जाए तो बंदा फंस भी सकता है। तो गाइस, और कोशिश करिएगा, एक और एडवाइस मेरी तरफ से कि आप अगर पाकिस्तान में कहीं भी आप घूमने जाते हो तो कोशिश करिएगा कि गूगल मैप्स आप यूज़ ना करें, क्योंकि गूगल मैप्स के भरोसे अगर आप आएंगे तो हो सकता है कि आप फंस भी सकते हो, ठीक है ना। तो अभी आप मेरे पीछे जो सीन देख रहे हो, वहाँ थोड़ा पीछे जो है वाटरफॉल है, कोशिश करते हैं कि जाए वहाँ पे। वैसे भी इतना रास्ता हमने ट्रेवल किया हुआ है तो जाना तो बनता है। जी, तो अभी फैसला यही हुआ कि जाते हैं, जल्दी से देख के आते हैं, क्योंकि इतना रास्ता बार बार बंदा नहीं आ सकता है, इसलिए जा रहे हैं। अभी जूता उतारने की बारी आ रही है तो जूता उतार के जाना पड़ेगा हमें। हाथ में फाइनली मैंने तो दरिया पार कर ली, बाकी सारे रहते आ रहे। हाय, अब मेरा अब्बास भाई इधर शूज पहन रहा है। पानी अच्छा खासा ठंडा था, काफ़ी खूबसूरत इन्वायरमेंट, लेकिन इन लड़कों की वजह से जो है ना, हम लोग निकले कोई 2-2.5 बजे, जो कि निकलने का टाइम ही नहीं है। बंदा निकलता है तो कम से कम कितने बजे, 9 बजे। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि तेज़ तेज़ वॉक करें और पहुंच जाए, जगह भी देख ले, क्योंकि 6 बजने में सिर्फ 20 मिनट ही बाकी है और
6 बजे को अंधेरा भी हो जाता है, शुरू हो जाता है अंधेरा होना, तो ये पहाड़ी इलाका भी है तो यहाँ थोड़ी जल्दी सी जो है डार्कनेस आ जाती है। तो बाकी पीछे रह गए, दो और बहुत पीछे रह गए, ठीक है ना। काफ़ी खूबसूरत सीनरी और जो दरिया का पानी है वो भी काइंड ऑफ ब्लूइश कलर का है, तो काफ़ी खूबसूरत सीनरी बनाई हुई है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। और आप लोग अगर आएंगे तो आप लोगों ने निकलना है इस्लामाबाद से या पिंडी से, आप लोगों ने सुबह कोई 8-9 बजे निकलना है, क्योंकि आप इंजॉय भी कर सके, हमारी तरह ना करें। ये जो मेरे मामू का लड़का रहा है, सब इसी की करामात है, एक ये और इसका भाई, ये दोनों जो है सब इसी की वजह से हुआ है। हम लोग लेट आए, सुबह लेट निकलता है, अभी देख भी नहीं रहा है कैमरे की तरफ, ये देखो शर्मा रहा है लोंडा। दूसरा वाला रास्ता शायद अच्छा हो, यहाँ पे तो चढ़ाइयाँ भी चढ़नी पड़ती है इस रास्ते से। हाँ, तो ये कोई 15 मिनट वॉक करने के बाद फाइनली आसार लग रहे कि भाई कह रहे कि पहुँच चुके हैं, तो कह रहे कि इस साइड में वाटरफॉल। एक चाचा था रास्ते में मिला था, उसने तो हमें डिसअपॉइंट कर दिया कि वाटरफॉल का पानी उतना है नहीं। बंदर सारे निकले पानी पीने के लिए, उतरे चलांगियाँ मार रहे हैं सामने, शायद आपको स्क्रीन में ना दिखे क्योंकि थोड़ा अंधेरा भी है और उनकी कलर भी जो है वो है, दिखाई नहीं देती इजीली। शायद आपको दिखाई दे के यहाँ पे बंदर, तो गाइस ये अभी मेरे मामू का लड़का कह रहा है कि कपड़े शपड़े उतार के, बूट शूट उतार के या पानी के अंदर से जाना पड़ेगा, और रास्ता है ही नहीं। तो वाटरफॉल आपको दिखाई दे रही है, खूबसूरत सा वाटरफॉल है।
बस जी। तो दोस्तों रात भी हो रही है और पानी भी गहरा है, तो कपड़े तो उतार लिए लेकिन जा नहीं सकते क्योंकि अंधेरा हो रहा है। तो अगर दिन में आ जाते तो हम निकल लेते, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अंधेरा है आप देख सकते हो, तो अच्छा नहीं है। तो कोशिश करूँगा एक और शॉट आपके लिए वहाँ से अपलोड कर दूँ और आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। जी तो दोस्तों आप देख रहे हो कि ये अंधेरा हो चुका है, ये मैंने मोबाइल की फ्लैश लाइट लगाई हुई है, तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा वीडियो नहीं अपलोड कर सका क्योंकि सही व्यू जो है नहीं मिल रहा है वाटरफॉल का। तो खैर आप लोग आएंगे विजिट करेंगे तो आप कोशिश करें जल्दी निकले, सुबह को आए दोपहर को एंजॉय करके आप शाम को निकल लें। हम लोग दोपहर को वहाँ से निकले और शाम को यहाँ पे पहुँचे।